देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। जनपद बिजनौर के हल्दौर में फर्जी सिपाही गिरफ्तार। पिछले कई सालों से यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर एक नौजवान बेरुकटुक खुलेआम लोगों पर रोब गालिब कर वर्दी की आड़ में बेवकूफ बना रहा था। पुलिस के अफसर को जैसे ही फर्जी पुलिस की सूचना मिली, मौके पर वर्दी पहने विशाल नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। पकड़ा गया फर्जी पुलिस वाले के पास एक फर्जी पुलिस का आईडी कार्ड, बेल्ट व फैंटम लिखी बाइक भी बरामद की है। पुलिस की हत्या चढ़ाई ये है विशाल कुमार, जो बिजनौर के हल्दौर इलाके का रहने वाला है। पिछले कई सालों से विशाल यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर बिजनौर की भोली भाली जनता पर रोब दाखिल करके बेवकूफ बना रहा था। जैसे ही बिजनौर पुलिस को शिकायत मिली कि बैंक के पास लोगों को धमका रहा है, तुरंत मौके पर पुलिस ने फर्जी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसके पास से यूपी पुलिस की लिखी जैकेट मिली, साथ ही फैंटम बाइक भी बरामद हुई है। यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड मिला है। पुलिस ने आरोपी फर्जी विशाल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर कई पहलुओं से जांच पड़ताल शुरू कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। नेशनल बैंक सिविल लाइन के पास एक पुलिस की वर्दी पहना व्यक्ति दूसरों पर अनावश्यक रोब गांठ रहा है और बैंक में आने जाने वालों को अनावश्यक परेशान कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो पकड़ने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम विशाल बताया, ग्राम गौसपुर थाना हल्दौर क्षेत्र का रहने वाला। गहराई से पूछताछ की गई तो यह फर्जी पुलिस की वर्दी बना के और पुलिस का यह जाड़े का एक जैकेट खरीद के कहीं से उस पर लोगो लगा के पुलिस का आई कार्ड बना के ये फर्जी तरीके से लोगों को धोख दे रहा था। सुसंगत धाराओं में कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसके पास से क्या बरामद हुआ है? इसके पास से आई कार्ड, एक कूटरचित पहचान पत्र बरामद हुआ है पुलिस का। उसके साथ साथ जो जैकेट पहना है उसके बारे में जानकारी की जा रही है कि यह जैकेट इसने कहाँ से प्राप्त किया है। वर्दी है, वर्दी के सारे साथ साथ सज्जा के सामान, फैंटम बाइक